إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. दुनिया में पहाड़ों से भी बहुत ज्यादा बदलना गया,
समुद्रों को भी मैं अपना दबान डाल सकता, पहाड़ों का जिगर चीर सकता, दरियाओं का रुख फेर देता हूं, परिंदे जेरे करता है, हवाओं के रुख फेरते हैं, आलम में एक हैसियत रखते हैं, लेकिन सर सजदे में रख के मैं आज करता हूं, ये सारी कुवतें एक जबान में एक लफ्ज में लाकर अर्ज करता सुभान रब्बिक आला, बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन सब कुछ तेरी जात तक को बोल रहा हूं। अब इस इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह जल्ला शानहु ने, इस इंसान को अजमत देने के लिए अल्लाह जल्ला शानहु ने अपने प्यारे महबूब को मुंतखब जिसे इंसान समझ न सके, जिसको देख न सके, और जो राज उसकी समझ में ना आ सके, तो जो कैफियत उसकी रूह में जज्ब न हो सके, और जो छुपी बातें वो समझ न सके, उसको आसान करके बताने वाले आसान करके बताने वाले हमने आपको अपना महबूब बना के भेजा, इन्नार सन्ना कर हमने आपको महबूब बना कर भेजा है। और दूसरा तर्जुमा जिसका सुनने में आता है, इन्नार सन्ना का शाहिदा हमने आपको गवाह बना के भेजा, और नफ्से शहीद या शाहिद इसके तीन तर्जुमे, गवाह महबूब और तीसरा तर्जुमा जो राय हक में जान दे दे, राय हक पर जान देने वाला, सच्ची गवाही देने वाला, तो महबूबियत की शान है, उसको क्या कहते हैं, शाहिद शहीद कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं नबियों इन्ना अरसलनाका शाहिद, आप मेरे गवाह भी हैं और मेरे महबूब भी, गवाह भी महबूब। मादरी किसके गवाह है, किसके साथ, और गवाही उस वक्त तक नहीं होती तो सफर जब तक दावा ना हो, पहले दावा फिर गवाही, पहले मुद्दा फिर दलील। मुद्दा क्या है, दावा क्या है, वो एक है, गवाह कौन है, मोहम्मद तो जिसने अपनी जात जाते वाहिद के लिए गवाह चुना है, जिसको सारे आलम अवलीन भी हैं आखिरीन भी, अंबिया भी हैं मुरसलीन भी, मुकर्रबीन भी हैं सालेहीन भी, कुव्वत वाले भी हैं इज्जत वाले भी, अर्श वाले भी हैं फर्श वाले भी, जमी वाले भी हैं जमा वाले भी, इन सब को एक तरफ करके इन में से एक को चुना, इन में से एक को चुना, जिसको चुना गया, मैं याद करना चाहूंगा कि उस वक्त ये सारे थे पहाड़ थे, दरिया थे, इंसान थे, जिन्नात थे।